बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीवन इज फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन फोर क्लास सेकंड ईयर बायोलॉजी। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टुडे वी वांट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स। The explanation of the interrelationship of the hypothalamus and anterior lobe of the pituitary gland, and also discuss about the identification of the hormones which are produced by the anterior lobe of pituitary gland and their target cells, their principal actions, and their regulation by the hypothalamus. Now, first we discuss about the anterior lobe of the pituitary gland. The anterior lobe of pituitary gland basically called as a master gland. Why it is called as a master gland? Because it produces and controls the secretion of many other glands. Basically ये master gland इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है different secretions जो ये under the influence of hypothalamus जो ये secretion produce करता है वो जो है other glands जो हमारे body के other organs हैं उनकी secretion को control करेगा। जो हार्मोन्स इंक्लूड हैं जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने डिस्कस करने हैं, दीज आर एज फॉलो: सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाउ दीज आर द हार्मोन्स विच वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। नाउ फर्स्ट हार्मोन, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द effect of hypothalamus and the interrelationship of the pituitary gland and hypothalamus. सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, हमने पहले भी अपने previous lecture में hypothalamus के बारे में पढ़ा था और उसका हमने देखा था कि वो उसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स वो प्रोड्यूस करता है जो कि आपके पास एज अ स्टिमुलेटिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेंगे और फिर उसके मुताबिक जो है हार्मोन रिलीज करेगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पोस्टीरियर और मीडियल लोब को डिस्कस किया था और उसमें देखा था कि हाइपोथैलेमस से न्यूरोसिक्रेटरी सेल से रिलीज हो रहे थे और जो कि आपके पास ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो रिलीज हो रहे थे और वो इधर पोस्टीरियर ग्लैंड पे एक्ट कर रहे थे और ब्लड वेसल्स के जरिए वो जाकर जो है पोस्टीरियर और मीडियल लोब से मुख्तलिफ हार्मोन्स को रिलीज कर रहे थे। आज जो है वो हमारा एंटीरियर लोब है, तो क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर प्रोड्यूस एंड विच डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड दे व्हेन दे एक्ट ऑन द जब आपके पास ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंटीरियर लोब के ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स एंटीरियर लोब के पास जब इंटर होंगे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो ये स्टिमुलेट करेंगे फॉलोइंग जो है हार्मोन्स रिलीज होंगे। उनमें से हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, एड्रिनोकॉर्टिकल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्ट करेगा, फिर ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है जिसमें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो टेस्टिस और ओवरीज पे जाके एक्ट करेंगे, ग्रोथ हार्मोन है जिसे सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं वो हमारी इंटायर बॉडी जो हमारे है उस पर एक्ट करेगी, ग्रोथ पे एक्ट करेगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए लैक्टेशन का प्रोसेस करेगी, और फिर इसके अलावा जो है पेन रिसेप्टर्स जो एंडोर्फिन हैं जो बेसिकली पेन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन मतलब जो कि पेन को जो सेंसेशन ऑफ पेन है या फीलिंग ऑफ पेन है उसको प्रोड्यूस करेंगी। तो मुख्तलिफ हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो बॉडी पे जो के आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो अदर ग्लैंड्स पे जाकर एड करते हैं और उनके से क्या होता है कि सेक्रेशन प्रोड्यूस होती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये इनका प्रिंसिपल एक्शन ऑन द ग्लैंड है, ये प्रिंसिपल हार्मोन कहलाएगा, ये प्रिंसिपल एक्शन कहलाएगा कि वो किस पे जाके एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह इस वजह से दैट्स व्हाई दिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसीडर्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन
सिस्टम या मास्टर ग्लैंड भी इसे हम कहते हैं, और ये बात आपने याद रखनी है। और उसकी वजह से डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसका प्रिंसिपल एक्शन जो है वो किसके मुताबिक होता है, इसका मुख्तलिफ जो है उसके ऑर्गन पे ऐड करता है जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था कि दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन अबाउट देयर इफेक्ट एंड देयर प्रिंसिपल एक्शन एंड देयर रेगुलेशन। अब हम इसको बारी बारी एक एक को डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन विच आर इन्वॉल्व फॉर इंक्रीज इन साइज। जो बॉडी की अंदर ग्रोथ हो रही है, बंदे की जो हाइट बढ़ रही है, मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स की साइज बढ़ रहा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रोथ हार्मोन। अगर हम बात करें इन द अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ इट कंट्रोल द ग्रोथ, बट आफ्टर टिल 18 ऑफ एज मैक्सिमम हाइट इंक्रीजेस। तकरीबन 18 साल तक जो है वो ये जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन है ये रिलीज होता है और ये हमारी बॉडी में हाइट को इंक्रीज करता रहता है। जब हमारी हाइट जो है वो गेन हो जाती है, फिर वो 18 साल के बाद जो है वो एक दिन उसकी हाइट में इंक्रीज नहीं होती, बल्कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी। तो ये तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के बारे में था कि सोमैटोट्रोफिक हार्मोन नॉर्मली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली दे आर इन्वॉल्व टू कंट्रोल द ग्रोथ, या हम कह सकते हैं टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बॉडी। अगर ये आपके पास इसकी सेक्रीशन ज़्यादा या कम हो जाए तो क्या हमारे पास बॉडी में इफेक्ट आते हैं। अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिनजाइटिज्म। जिनजाइटिज्म का मतलब यह कि इंसान का जो हाइट है वो अबनॉर्मल हाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं जिनजाइटिज्म बोलते हैं। इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम जो है जिनजाइटिज्म कहेंगे। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, अगर इसकी लो सेक्रीशन हो गया है ये सोमैटोट्रोफिक ट्रोफिन हार्मोन की, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द ड्वार्फिज्म एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉल हाइट। जो हम कहते हैं जिनके कहाँ जो कद बहुत छोटे होते हैं, छोटे हाइट के जो होते हैं, स्मॉल हाइटेड होते हैं, तो उनको वो बेसिकली उनके अंदर जो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की जो है लो प्रोडक्शन होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फिज्म। एक्रोमिकली क्या होती है, इन द लेटर स्टेज जब ग्रोथ जो होगी है और उसके बाद क्या हो जाए, अगर एकदम जो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली की वजह से क्या होती है, की वजह से क्या होगा, जो ओवर सेक्रीशन होगी आपके पास ग्रोथ हार्मोन की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ जॉस हैंड रिब्स एंड लेग्स। और उनमें क्या हो जाएगा, उनका फेस चौड़ा हो जाएगा, हाथ और पाँवों की जो उंगलियाँ वो छोटी छोटी हो जाएंगी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ दी जॉस हैंड एंड रिब्स एंड लेग्स। और उनके जो हाथ पांव जो हैं वो चौड़े चौड़े हो जाएंगे, जिसको हम एग्रोमिगैली कहेंगे। तो ये तो था सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के बारे में। फर्दर अब हम देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली ये भी क्या, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। एंड वन इससे क्या होगा कि जब हार्मोन जो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या जो न्यूरो सेक्रेटिंग सेल्स को रिलीज करेगा एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर जब रिलीज होगा, विच ये जो आपके पास फैक्टर रिलीज हो रहा है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस हमारे पास थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ, विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ये स्टिमुलेट करेगा कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इसने स्टिमुलेट किया इस फैक्टर ने जो हाइपोथैलेमस से ये रिलीज हुआ है कि टू प्रोड्यूस द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, के जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। एंड दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड बेसिकली आर इन्वॉल्व टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। और जो थायराइड ग्लैंड है वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करती है बॉडी के अंदर। तो ये तो था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड इट इज प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल
टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये तो था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। अगर हम इसको देखते हैं कि ये हाइपोथैलेमस कैसे जो है वो ऐड करता है और वो जो है हमारी बॉडी में जो है कैसे जो है वो ऐड करता है और उसकी वजह से कैसे रिस्पॉन्स जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो ऐड करेगा और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ये देखें, यह आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जिसके अंदर आपके वो सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करी है। हाइपोथैलेमस से ये न्यूरोसिक्योरिटी सेल्स हैं जो कि क्या करेंगे थ्रू ब्लड जो है वो पोस्ट आपके पास क्या ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचेंगे। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब ये पहुंच जाएंगे, ये देखें ये बेसिकली कौन सा आपको लोब दिखा रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके पास थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा। ये देखें थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या हो जाएगा कि वो थायराइड एंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे एंड ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपको जो फर्दर ये जो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि एक्ट करेगा किस पे आपके पास थायराइड ग्लैंड पे। ये थायराइड ग्लैंड है, अब ये थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा। ये देखें थायराइड ग्लैंड के पास पहुंच गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुए और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास पहुंचेंगे तो ये थायराइड ग्लैंड जो है फिर वो फर्दर क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड जो है वो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसे कंट्रोल करेगा। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है इसके ज़रिए कंट्रोल होता है। तो ये तो बताया था कि कैसे जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है वो आपके पास थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है विच एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड। तो इसका प्रिंसिपल एक्शन किस पे है, थायराइड ग्लैंड पे है और थायराइड ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये तो हमने बात की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। अब हम एडिनोकोर्टिकल कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बेसिकली जो है ये एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और इसको हम जो है कोर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन भी कह सकते हैं और ऐसे हार्मोन्स को हम कोर्टिसोल हार्मोन्स भी कहते हैं। और दिस हार्मोन ये जो एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है बेसिकली दे आर वर्क अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। जब भी जो है वो स्ट्रेस कंडीशन हो या स्ट्रेस सिचुएशन हो तो हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ से जो हार्मोन रिलीज हो रहे जिसे हम कोर्टिसोल हार्मोन कह रहे हैं या कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन कह रहे हैं वो हमें स्ट्रेस कंडीशन में हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। फर्दर अब हम देखते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो कंट्रोल कर रहे हैं ये उनकी सेक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उनको हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स कहेंगे। फर्दर और जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं इनके अंदर हमारे पास फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहेंगे। और अब हम ये जो हार्मोन्स हैं दे आर प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बट दिस हार्मोन कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बात आपने याद रखनी है कि ये हार्मोन जो है ये की पॉइंट है, ये एमसीक्यूज जो है ये आ जाता है कभी कभार मेडिकल टेस्ट बोर्ड में भी ये एमसीक्यूज आ जाता है कि जो ये हार्मोन है ये क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये अब ये एक्ट तो क्या वो रिप्रोडक्शन के सिस्टम में कर रहे हैं लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके अंदर ये खुद प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये नॉट बी प्रोड्यूस बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बट दिस हार्मोन वर्क ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वर्क करेंगे बट इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये बातें कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपने इसका की पॉइंट याद रखना है कि अगर एमसीक्यूज आते तो आपने इस बात को याद रखना है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि ये जो है वर्क करते हैं ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। अब फर्दर ऑन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ द सेक्स सेल। और बेसिकली ये फीमेल के अंदर जो है फॉलिकल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और जो है एस्ट्रोजन जो है उनको जो है वो एस्ट्रोजन बेसिकली हार्मोन है उनको रिलीज करेंगे ताकि फीमेल ओवरीज डेवलप हो सके। और मेल के अंदर जो है ये स्पर्म इम्प्लांट जो है आपके पास जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन सेल। जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है ये भी प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की इंक्रीज करेंगे ताकि ओवरीज जो है वो आपके पास डेवलप हो सके। और उसके अलावा जो लुटेनाइजिंग हार्मोन इसके अंदर होते हैं, जो हमारे पास लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बाय द मेल टेस्टिस। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है जो टेस्टिस में वर्क कर रहा है उसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और दे मेक द टेस्टोस्टेरोन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है उसको कंट्रोल करेगा। तो आपने ये याद रखना है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है ओवरी में। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। अब इसके लिए जो है वो मेल के अंदर जो उसका दूसरा नाम दिया गया है उसे हम क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या कभी कभार इसको हम मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो आपने इस बात को हमेशा जो है याद रखना है, कभी क्योंकि कहीं पर ये सेपरेट करके भी आ जाता है इसका फंक्शन, और कभी कभार जो है ये आपका बहुत सिंपली वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर तो वो आपसे मेल के बारे में पूछ ले, और उधर अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने इसके लिए जो स्पेसिफिक नेम है वो याद रखना है। उसके लिए हम क्या स्पेसिफिक नेम ये रखते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कहते हैं, जो बेसिकली जो टेस्टिस के जो अंदर की इनर लेयर है उसको हम इंटरस्टिशियल जो लेयर है उसको ये स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर डेवलप द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। फर्दर अब हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली इसका जो वर्ड है वो यही इंप्लाई करे लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स मिल्क प्रोडक्शन। तो दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है अंडर द इंक्रीज ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड दे आर एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जो है ये बताया था ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क एंड प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। तो ये भी एमसीक्यूज अक्सर बोर्ड में आता है, अक्सर पेपर्स के अंदर पूछा जाता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। तो उसके लिए वो ऑप्शन ऑक्सीटोसिन भी दे देते हैं, प्रोलैक्टिन भी दे देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी दे देंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी दे देंगे। तो उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पास जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो इंजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए है। और वह इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये हार्मोन रिलीज होगा, और जिसकी वजह से जो है ये मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और मिल्क प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो इनहिबिट होता है, उसको रोका जाता है बाय द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस अनदर हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और जिसकी वजह से जो है जो आपके पास जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें जो है जो मिल्क प्रोडक्शन है वो नहीं होती, और जिसकी वजह से उन जो है वहाँ पे जो उन इस हार्मोन की वजह से जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है या लैक्टेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ओनली जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होगी मिल्क प्रोडक्शन होगी, और उसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस विच एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस द मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। तो ये तो था प्रोलैक्टिन के बारे में। अब हम इसकी जरा समरी को डिस्कस करते हैं कि हमने कितने हार्मोन्स एंटीरियर लोब्स में पढ़े और वो कैसे कैसे एक्ट कर रहे थे,
तो बेसिकली आपके पास ग्रोथ, ये देखें आपका गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की, इसमें सबसे पहले अगर हम इसमें देखें बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, बीच इज एक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसका। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये प्रिंसिपल टारगेट है और ये प्रिंसिपल इसका इफेक्ट है। तो कभी कल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ दी जो हार्मोन, जो होता है हार्मोन का कौन सा या प्रिंसिपल इफेक्ट बताए, तो आपने साथ उसका प्रिंसिपल इफेक्ट उन्होंने ये भी लिखा हुआ है। और इस ये आपने याद रखना है। और उसका प्रिंसिपल इफेक्ट क्या, प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन बाय गोनेड्स, एफएसएच का भी प्रिंसिपल क्या है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, एफएसएच का। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट किस पे करती है, थायराइड ग्लैंड पे करती है और वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगी और वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। और जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन है, बेसिकली जो जीएच है आपको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो हमारे बॉडी और मसल्स पर एक्ट करती है और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू इंक्रीज द साइज ऑफ बॉडी। और वाइल जो आपके पास जो एसीटीएच जो आपके जिसको आपको ट्रिगल हार्मोन कहते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगी और वो बेसिकली रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को अंडर स्ट्रेस कंडीशन में। तो ये तो था इंटीरियर लोब्स में जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे और वो कैसे जो है वो हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं उनके बारे में था। तो आज तो हमने इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। अब हमारा ये टॉपिक कम्प्लीट हो गया है जिसके अंदर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक कम्प्लीट हो गया है। फर्दर जो है अब हम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।